मुरादाबाद से सभा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड पर मदरसों के अंदर सुनने वालों को लेकर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री से मदरसा टीचर्स की रुकी हुई सैलरी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि वो पहले भी कह चुके हैं कि आधुनिकीकरण मदरसा टीचरों की लगभग 50 माह से रुका हुआ वेतन उन्हें नहीं मिला है उसे दिलाए, साथ ही उन्हें असम में मदरसों पर हो रही कार्यवाही पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ आप मदरसों के बच्चों को लुभाने की बात कर रहे हैं और वहीं असम के मुख्यमंत्री मदरसों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, वैसे तो मदरसों में तो ईद की छुट्टी है, अगर दिखाया भी गया तो मैंने तो पहले भी इस बात की दरख्वास्त करी थी मोदी जी से कि जो आधुनिकीकरण टीचर्स हैं उनकी लगभग 50 महीने से सेंटर ने तनख्वाह नहीं दी है। अब बेचारों की तनख्वाह ही कितनी है, 8,000 से लेके 12,000 तक, तो पहले उस पर ध्यान दें और उनके मदरसों के टीचर्स की तनख्वाह दिलवाएं। दूसरा ये कि एक तरफ आप मदरसों के बच्चों को लुभाने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आसाम में बुलडोज़र चल रहे हैं मदरसों के ऊपर। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरा बस चले तो सारे मदरसों पे बुलडोज़र चलवा दूँ। आपके नेता कहते हैं कि ये आतंकवाद की जननी है, तो आखिर चाहते क्या हैं, मकसद क्या है? ये गरीब मुसलमान और ये बेचारा मुसलमान कब तक लोगों के झांसे में बहलावे में आता रहेगा और कब तक लोग इनसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? नहीं, सब लोगों ने तो नहीं देखा, आपने ये कैसे कह दिया? क्योंकि ये मन की बात, ये सब एक तरह की जुमलेबाजी हैं और ये लोग एक्सपर्ट हैं जुमलेबाजी के। जितने 100 एपिसोड बता रहे हैं, ये जो वायदे जो काम कहे थे वो करे क्या? क्या उसमें जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच्चाई है क्या? इसकी तो जांच लोग अपने आप खुद से करें और देखें कि आखिर इसमें हकीकतें कितनी हैं और कितने जुमले हैं।